आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन आईटी सेक्टर के शेयर के बारे में, जिसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है और आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर गिरावट में कभी मिलता है तो। इसमें हम लेवल्स और टारगेट की बात करें, कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे, पहले भी मैंने इस स्टॉक के बारे में बात किया था और फिर से इस वीडियो में हम बात करेंगे इन स्टॉक्स के बारे में। इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये इतना अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जिससे ये स्मार्ट सॉल्यूशन कर सके। तो ये कंपनी जो है 2011 में मात्र स्टार्ट हुई थी, मात्र 10 सालों में इस कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और टॉप 4 आईटी कंपनीज में है। देख सकते हैं टॉप 4 आईटी कंपनीज, और ये कंपनी बिजनेस देती है यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में। लेकिन मुख्य रूप से जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस से होता है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि यूएस में अगर कोई भी इकोनॉमी प्रॉब्लम आता है तो निश्चित रूप से इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको गिरावट देखने मिलेगा। तो अगर गिरावट टेम्प्रोरी बेसिस है तो बस उसी समय आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, एक बाज की तरह आपको शेयर पे नज़र बनाए रखना पड़ता है। जब वो गिरावट मिलता है कोई भी टेम्प्रोरी कारण बेसिस, तो इसमें क्या टेम्प्रोरी इश्यू हो सकता है, मैंने आपको बताया यूएस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम टेम्प्रोरी बेसिस, तो इस कंपनी में भी उस समय टेम्प्रोरी बेसिस पे गिरावट देखने आपको मिलेगा। ये कंपनी काम करती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड हो गया, डिजिटल प्रोसेस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स, ड्रोन। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कंपनी के मुख्य रूप से 3 बिजनेस सेगमेंट, डिजिटल बिजनेस सर्विस बिजनेस प्रोवाइड कराती है कंपनी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो 3 मुख्य बिजनेस सेगमेंट है इस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का। और इस कंपनी के जो अशोक सोट्टा साहब है वो इसके प्रमोटर्स हैं, उनके चेयरमैन हैं। और इनकी जो खास बात है कि ये माइंडट्री को जीरो से हीरो बनाए हैं, मतलब माइंडट्री को ये एक बिगनर कंपनी से एक बड़ी कंपनी बनाए हैं। और माइंडट्री जब लार्सन एंड टुब्रो एक्वायर कर ली तो फिर इन्होंने ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को चालू किया। और उससे पहले माइंडट्री से पहले ये विप्रो में 15 साल तक वहाँ पर लीड के उस बिजनेस को, विप्रो के बिजनेस को। तो इस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन प्रमोटर्स है इस कंपनी के, काफ़ी लंबा अनुभव है उनके पास। अब बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है, तो मार्केट कैप 21,000 करोड़ है, करेंट प्राइस 1,477 रुपीज़ के आसपास है, डिविडेंड 0.20% का है, तो एक नई कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स 53.2% है, ये भी काफ़ी, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें काफ़ी कम है, 0.35 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मात्र 193 करोड़ का डेट है, और जबकि प्रॉफिट 162 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि एक न्यू लिस्टेड कंपनी है, बिजनेस में भी न्यू है, मात्र 10 ईयर्स हुआ है इस कंपनी को। अगर बात करें सेल्स का और प्रॉफिट का, तो देखिए सेल्स किस तरह से जंप हुआ है, 2012 में मात्र 8 करोड़ का सेल्स था, वहां से पहुंच चुका है 761 करोड़। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कंपनी लगातार यहां पर कई सालों तक लॉस में रही, उसके बाद यहां जबरदस्त प्रॉफिट 162 करोड़ का प्रॉफिट अर्न की इस फाइनेंशियल 2021 में, तो काफ़ी बेहतरीन है। बात करते हैं टेक्निकल चार्ट का, टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन यहां से देख सकते हैं मूवमेंटम क्या है। जब यहां पर लिस्ट हुआ तो कंपनी काफ़ी दिनों तक शेयर प्राइस कंसोलिडेट किया, देखिए सेप्टेम्बर 2020 से लेकर के यहाँ तक कंसोलिडेशन चला फरवरी तक, मतलब यहाँ पर आप इसको एक्वायर कर सकते थे। मतलब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम, यहाँ पर लगातार ये देख सकते हैं वॉल्यूम, बीच बीच में देखिएगा कि बाइंग वॉल्यूम इसमें आ रहा था, तो बाइंग वॉल्यूम मतलब यहाँ पर इसको एक्युमुलेट किया जा रहा था, एक्युमुलेट होने के बाद यहाँ से शेयर प्राइस ब्रेकआउट देता है और ज़बरदस्त रैली दिखाया। यहाँ पर देख सकते हैं 400 के ऊपर, मैंने उस समय वीडियो बनाया था 400 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ और अभी देख सकते हैं ये 1500 से ऊपर का हाई लगा चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जब ये शेयर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे तो आप इसको ले सकते हैं, ब्रेकआउट पर ही बाय कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी ये दिखा सकता है। तो अगर करेक्शन आएगा तो जब ये 1200 के नीचे कभी मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, या तो यहाँ पर ब्रेकआउट में आप इन्वेस्ट कीजिए, ब्रेकआउट होगा जब ये 1580 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा, तो 1580 रुपीज़ के ऊपर निकले तो बाय कीजिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट आपको रखना पड़ेगा, ब्रेकआउट होता है तो बस जस्ट 1500 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको 1140 के नीचे स्टॉप लॉस लेना है क्लोजिंग बेसिस। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है इस स्टॉक में। अब देखिए दूसरा जो शेयर है वो है रूट मोबाइल। देखिए दोनों शेयर हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और धीरे धीरे जब गिरावट आता है तो हम भी इसमें क्वांटिटी को ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए।
अगर बात करें 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये कंपनी क्या करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी का मुख्य तीन बिजनेस वर्टिकल, एक इंटरप्राइज और दूसरा है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और तीसरा है BPO। तो तीन मुख्य बिजनेस वर्टिकल है इस कंपनी का और ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है और 2004 में ही कंपनी स्टार्ट हुई थी और इसके भी प्रमोटर्स को लगभग 2 decades का ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अभी बेहतरीन परफॉर्म कर भी रही है। तो जब तक अच्छा कर रहा है, जब तक ये अपने सेक्टर में अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा रिसर्च और डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ला रही है, तब तक आप इस शेयर का मतलब तेज़ी का फ़ायदा ले सकते हैं। यह मार्केट कैप की बात है, 12,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। शेयर प्राइस की बात है 2,133 रुपीज़ है और डिविडेंड की बात 0.09% काफ़ी कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 65.4% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.03 का डेट टू इक्विटी है, मात्र 20 करोड़ का डेट है। नेट प्रॉफिट 133 करोड़ का है, तो जिसने है काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। ये तो बिल्कुल डेट फ्री है, कोई खास डेट है ही नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब तो काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का, देखिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कितना शानदार है। नेट प्रॉफिट था यहाँ पर 16 में 63 करोड़ का, लगातार मेंटेन किया, थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिला, लेकिन 2021 में तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी आया, 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से देखते हैं कंपनी काफ़ी बेहतरीन कर रही है, तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी का यहाँ पर आप पढ़िएगा तो काफ़ी सारी कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनियों को ये एक्वायर किया है, तो इस तरह से अपने बिजनेस को लगातार ये स्केल अप कर रहा है, तो आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन मतलब इस कंपनी में आपको रिटर्न प्राप्त हो सकता है। अगर इसके चार्ट की बात करें, देखिए खास करके जो न्यू लिस्टेड कंपनी है इसका चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर बाय कीजिए, ब्रेकआउट पर देख सकते हैं। जब जब ये ब्रेकआउट दिया था, पहले भी हमने वीडियो बनाया था यहाँ पर, जब ये 1300 रुपया पर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, देखिए 1300 से डायरेक्ट जो है लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो गया, और फिर यहाँ से गिरावट आता है, गिरावट के बाद ये काफ़ी नीचे आता है, और यहाँ से फिर से ये देखिए यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ ब्रेकआउट बना 1800 पे, 1800 ब्रेकआउट दिया तो ये लगभग आया 2300, और यहाँ से अब ब्रेकआउट देता है तो अगर यहाँ 2300 तो 2600 इसमें टारगेट आपको रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 2000 के नीचे, मतलब 1:1 का रेशियो है, 1:1 के रेशियो में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो गिरावट में जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले, देखिए ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के पास आने दीजिए, जब भी आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक करता है तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि इसमें क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। बहुत ही ईजी है क्योंकि ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक कर देता है तो निश्चित रूप से कोई बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है, तो उस समय आपको स्टॉप लॉस ले लेना है जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।